अस्सलामुअलैकुम जी। ये हम बहुत खूबसूरत जगह पे, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और माहौल भी यहाँ पे बहुत मज़े का है, अनबिलीवेबल। और आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है और हम इस एटमॉस्फेयर को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फैमिली और गैदरिंग है और एक बड़ा पार्टी सा माहौल है। कुछ जो हैं यहाँ पे पकौड़े बना रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने पकौड़ों का। हमने कहा जब तक पकौड़े नहीं बनते आपको इस जगह की थोड़ी सी सैर कराते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये एक मेडोस टाइप जगह है, गैटी डास। ये बेसिकली बाबूसर के 10 मिनट ड्राइव पे पहले आती है। जब आप नारान से बाबूसर जा रहे हैं तो लोलोसर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये जगह आएगी और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हम भी इस जगह को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। और आपको इस जगह के ऊपर जब भी आप बाबूसर का प्लान करें तो आपके पास कम से कम 2 घंटे इस जगह के लिए सिर्फ होने चाहिए, आप बाकी सारी जगहों को भूल जाएंगे। और यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है, लोग यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं और हम भी इनके साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे अब आपको दिखाएंगे मेरे बैक साइड पे एक खूबसूरत जो है वो चश्मा है और इतना खूबसूरत है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और इस वक्त अली ज़फ़र जो है जी वो उनका सॉन्ग्स चल रहा है और देख रहे हैं कि कैसे लोग भंगड़ा भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं और इस प्लेस को वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हम भी अब जाके एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद इंशाल्लाह आते हैं और फिर आपको मज़ीद जो जगह हैं उनके बारे में भी बताते हैं। अभी जी यहाँ पे अब क्रिकेट हो रही है और यहाँ पे हम क्रिकेट से भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे भरपूर मज़ा कर रहे हैं और यहाँ पे इस वक्त हम लाइव पकौड़े भी बना रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हाजी साहब किस तरह के पकौड़े बनाते हैं। और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि पकौड़ों का क्या हाल है, डॉक्टर साहब पकौड़े बने हैं कि नहीं बने। और हाजी साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पकौड़े बनाने की और ये पकौड़े बन जाएंगे इंशाल्लाह। और ये दिखाएँ जी हाजी साहब जिस तरह पकौड़े बना रहे हैं और डॉक्टर साहब उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और अनाय साहब इसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी जो है वो रोका हुआ है हवा। एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है उस वजह से यहाँ पे ज़रा इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बनेंगे और बड़े क्रिस्पी बनेंगे और आप जब देखेंगे तो आप भरपूर इंजॉय करेंगे। और मैम भी पकौड़ों के इंतज़ार में है और वो दुआ भी मांग रही है कि पकौड़े सही बने और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पकौड़े सही बनेंगे।